गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। सबके पास क्लियर आवाज आ रही है? यस मैम। आवाज आ रही है? यस मैम। अरे लक्की आ गया कि अभी जुड़ेंगे? स्टार्ट हुई है ना, 10:30 ही है। हाँ चलो अपन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। कल आपकी क्लास नहीं हो पाई थी लाइट की वजह से। उससे पहले जो क्लास हुई थी उसमें मैं हेनरी का नियम पढ़ा रही थी, जिसमें कुछ बच्चे कह रहे थे कि अभी तक हमारे समझ में नहीं आया, तो मैं दोबारा हेनरी के नियम से ही चालू कर रही हूँ। तो देखो एक बार में थ्योरेटिकल वाला दोबारा रिपीट कर रही हूँ विलेता से ही, फटाफट फटाफट 5 मिनट में, फिर हेनरी का नियम दोबारा से पढ़ेंगे। देखो सबसे पहले मैंने आपको और हेनरी के नियम की सीमाएं तक मैंने आपको नोट्स सेंड भी कर दिए हैं, ठीक है? तो एक बार मैं हेनरी के नियम तक दोबारा रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि क्लास के एंडिंग में उस टाइम पे कुछ बच्चे कह रहे थे कि अभी हमारे थोड़ा समझ में नहीं आया, तो मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। सबसे पहले आपने थ्योरेटिकल चैप्टर में विलेयता पढ़ी थी, फटाफट फटाफट रिपीट करूंगी, सभी बच्चे सुनते चलेंगे। विलेयता में मैंने आपको पढ़ाया था कि एक निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में घुली हुई पदार्थ की अधिकतम मात्रा को ही विलेयता कहा गया था। फिर आपने इस विलेयता में टॉपिक पढ़ा था गैसों की द्रव विलायक में विलेयता, गैसों की द्रव विलायक में विलेयता। फिर मैंने आपको, मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ पूरा चैप्टर, वो पूरा थ्योरेटिकल शनिवार को पढ़ाया हुआ, क्योंकि रिपीट नहीं हो पाया था उस दिन, इसलिए गैसों की द्रव विलायक में विलेयता में आपने, मैंने बताया था कि इसमें विलेय पदार्थ तो क्या होता है, गैस होता है, और विलायक क्या होता है, द्रव होता है। द्रव विलायक में गैसे कम या अधिक मात्रा में उपस्थित होती है। द्रव विलायक में गैसे एक निश्चित मात्रा में ही घुलती है। द्रव विलायक गैस के अणुओं का अवशोषण करते हैं, अतः हम गैसों की विलेयता को अवशोषण गुणांक द्वारा समझाते हैं। अवशोषण गुणांक, जिसमें मैंने आपको अवशोषण गुणांक की परिभाषा भी बताई थी कि निश्चित ताप व एक वायुमंडलीय दाब पर विलायक के इकाई आयतन में घुली हुई गैसों का एनटीपी पर आयतन, एनटीपी का मतलब है सामान्य ताप व दाब, गैसों का एनटीपी पर आयतन क्या कहलाया था, अवशोषण गुणांक। इसके बाद में आपने गैसों की द्रव विलायक में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक पढ़े थे, जिसमें मैंने आपको
पहला कारक बताया था गैस की प्रकृति। सभी बच्चों के पास नोट्स भी हैं और दो दिन हो गए पढ़ भी लिए होंगे, क्योंकि मैं पढ़ाया हुआ दोबारा रिपीट कर रही हूँ। गैस की प्रकृति, इस गैस की प्रकृति में मैंने आपको बताया था कि जो गैस द्रव्य विलायक के साथ क्रिया करके यौगिक बनाती है तथा आयनित होती है, वो गैस द्रव्य विलायक में अधिक विलय होती है, तथा जो गैस द्रव्य विलायक के साथ क्रिया करके यौगिक नहीं बनाती है और आयनित नहीं होती है, वो गैस द्रव्य विलायक में कम विलय होती है। फिर आपने एग्जाम्पल किए थे जैसे NH3 व CO2 जल के साथ क्रिया करके यौगिक बना रही है NH4OH, और ये जल के साथ क्रिया करके यौगिक बना रहा है H2CO3। इनको देखो आयनित करोगे तो ये आयनित भी हो जाएंगे NH4+ और OH-, ये भी आयनित हो जाएगा H+ HCO3-। इसी में मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था जैसे HCl गैस है, वह जल में आयनित हो जाती है और आयनित होकर कौन से आयन देती है H+ और Cl-। तो ये गैस जल में अधिक विलय होती है। फिर मैंने इसी के नीचे एग्जाम्पल बताया था जैसे N2 व O2 है, यह जल के साथ क्रिया भी नहीं करती है और यौगिक भी नहीं बनाती है, अतः यह गैस जल में कम विलय होती है। यह मैंने किसमें बताया था, गैस की प्रकृति में। फिर आपने दूसरा कारक पढ़ा था विलायक की प्रकृति। विलायक की प्रकृति में मैंने आपको बताया था कि समान समान को घोलता है, अर्थात ध्रुवीय गैसे ध्रुवीय विलायक में और अध्रुवीय गैसे अध्रुवीय विलायक में विलय होती है, जिसमें आपने एग्जाम्पल किया था जैसे NH3 व HCl ध्रुवीय गैसे है, वो किसमें विलय होती है, ध्रुवीय विलायक जल में। फिर आपने गैसों की विलयता को प्रभावित करने वाला तीसरा कारक पढ़ा था विलय के ताप का प्रभाव। ताप के प्रभाव में मैंने आपको बताया था गैसों की विलयता पर ताप का प्रभाव भी पड़ता है। ताप बढ़ाने पर गैसों के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, अतः विलयता घट जाती है। तो ताप का प्रभाव भी गैसों की विलयता पर पड़ता है। ताप बढ़ाने पर गैसों के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी और विलयता क्या होगी, घटेगी। फिर मैंने बताया था ताप के प्रभाव का अध्ययन स्थिर दाब पर किया जाता है। किस पे किया जाता है, स्थिर दाब पे। फिर आपने चौथा कारक किया था दाब का प्रभाव, जिसमें मैंने कहा था वेरी मोस्ट प्रभाव है, इसमें हेनरी का नियम है जो एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो अपन देखो, अब मैं इस टॉपिक को दोबारा पढ़ा रही हूँ, दाब का प्रभाव, क्योंकि यह टॉपिक क्लास के एंडिंग में चला था जिसमें कुछ बच्चे कह रहे थे आवाज क्लियर नहीं आ रही है, कोई कह रहा था शोर हो रहा है, तो मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ दाब का प्रभाव। देखो बच्चों, गैसों की विलयता पर, धीरे धीरे रिपीट कर रही हूँ, गैसों की विलयता पर दाब का प्रभाव पड़ता है। दाब के प्रभाव का अध्ययन स्थिर ताप पर किया जाता है। किस पे किया जाता है, स्थिर ताप पर किया जाता है। दाब के प्रभाव का अध्ययन एक वैज्ञानिक था हेनरी नामक वैज्ञानिक ने दाब के प्रभाव का अध्ययन किया था। अतः हेनरी का नियम क्या होता है, आप वो पढ़ने जा रहे हो, हेनरी का नियम, हेनरी का नियम।
देखो बच्चों, हेनरी का नियम क्या होता है? निश्चित ताप पर विलायक के इकाई आयतन में घुली हुई गैस की मात्रा m द्रव की सतह पर गैसों द्वारा ढाले गए दाब के समानुपाती होती है। यहाँ पे m तो क्या है? द्रव विलायक में घुली हुई गैस की मात्रा। द्रव विलायक में घुली हुई गैस की मात्रा, गैस की मात्रा। और देखो P क्या है? द्रव की सतह पर गैसों द्वारा ढाला गया दाब। द्रव की सतह पर गैसों द्वारा ढाला गया दाब, ये क्या है? P है। तो ये क्या होता है? हेनरी का नियम। निश्चित ताप पर विलायक के इकाई आयतन में घुली हुई गैस की मात्रा जो m होती है, साम्य अवस्था पर द्रव की सतह पर गैसों द्वारा ढाले गए दाब के समानुपाती होती है, इसे हेनरी का नियम कहा जाता है। अब देखो बच्चों, समानुपाती को उठाओगे तो m बराबर के p। यहाँ पे k का मतलब है हेनरी स्थिरांक। k का मतलब क्या है? हेनरी स्थिरांक, ठीक है। इसे के एच द्वारा भी प्रदर्शित किया जाता है। तुम्हारी बुकों में इसके नीचे एच भी लगा हुआ है, तो तुम ऐसे मत सोचना कि मैम ने एच क्यों नहीं लगाया। एच का कोई मतलब नहीं, एच का मतलब है हेनरी, एच का मतलब है हेनरी, इसलिए एच लगा दिया। तो तुम एच लगाने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। तो के बराबर क्या है? हेनरी स्थिरांक। इसको समीकरण नंबर कितना दोगे? एक। अब देखो, फिर मैंने आपको बताया था द्रव विलायक में घुली हुई गैस की मात्रा जो m होती है, वह गैस के अणुओं की मोल भिन्न के समानुपाती होती है। आपने बच्चों मोल भिन्न पढ़ रखी है, जिसके चार पांच एग्जाम्पल भी करवाए थे मैंने आपको। मोल भिन्न को बताया था कि किसी विलयन में अव्यय की मोल भिन्न उस अव्यय के मोलों की संख्या और विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होती है, उसको क्या कहा जाता है? मोल भिन्न। जो मैंने बहुत ही अच्छी तरह समझाया था और मैंने बताया था, देखो मोल भिन्न ज्ञात करने से पहले आप किसकी संख्या निकालोगे? मोलों की संख्या। जब तक आपके पास मोलों की संख्या नहीं आएगी, तब तक आपको क्या प्राप्त नहीं होगी? मोल भिन्न। मोल भिन्न को अक्ष से दर्शाया जाता है। तो मैंने आपको बताया गैस के अणुओं की जो मोल भिन्न है, वो गैसों द्वारा ढाले गैसों की मात्रा के क्या होती है? समानुपाती। तो एक्स समानुपाती क्या हो जाएगा? एम। अब यहाँ पे देखो, एम बराबर क्या है? केपी। के तो एक स्थिरांक होता है जिसका मान नियतांक में होता है एक। तो m बराबर क्या हो गया? p। तो देखो बच्चों, यहाँ पे m बराबर p है, तो m की जगह में क्या लिख सकती हूँ? p। अक्ष बराबर k डेस p। इसको समीकरण नंबर क्या दे दोगे? दो। k डेस b एक स्थिरांक होता है। क्या होता है? स्थिरांक। तो देखो बच्चों, हेनरी स्थिरांक व के डेस में, या तुम पहले ऐसे कर सकते हो के डेस व के में, ये तो स्थिरांक है और ये क्या है? हेनरी स्थिरांक में निम्न संबंध होता है। निम्न संबंध होता है, के डेस बराबर होता है एक बटा के। तो देखो, के डेस का मान समीकरण नंबर दो में रखने पर,
आपके पास समीकरण नंबर दो क्या है? एक्स बराबर के डेस पी। देखो के डेस का मान कितना आया है, एक बटा के, और ये क्या है, पी। तो बताओ एक्स बराबर पी बटा के। आप तो हेनरी का नियम पढ़ रहे हो ना, तो हेनरी स्थिरांक क्या है, के। तो के बराबर क्या हो जाएगा, पी बटा एक्स। यही क्या कहलाता है, हेनरी का नियम। क्या कहलाता है, हेनरी का नियम। ओके बच्चों, चेतना कवर कैमरा ऑफ करो। सभी बच्चों को हेनरी का नियम समझ में आया? सभी बच्चों को हेनरी का नियम समझ में आया? स्क्रीन पे लिख के जवाब दो, फटाफट बोलो। यस मैम, यस मैम, यस मैम। किसी बच्चे को अगर अभी भी समझ में नहीं आया है तो बेटा स्क्रीन पे बोल दो, एक बार दोबारा रिपीट कर दूंगी। वैसे तो रिपीट करने की जरूरत नहीं है, तुम समझदार बच्चे हो, क्योंकि मैंने बहुत ही धीरे धीरे पढ़ाया है। नो मैम किसका आ रहा है बेटा, एक बार कोई बात नहीं, दोबारा समझा दूंगी मैं। नो नो मैम, अभी अभी मैंने देखा है, वैसे किसी का ही नहीं आ रहा। विजय कुमावत एक बार और। अंकित वापस बताऊं? चलो ठीक है, एक बार और मैं जल्दी से रिपीट कर रही हूँ। स्थिर ताप पर हेनरी का नियम तुम पढ़ने जा रहे हो। निश्चित ताप पर विलायक के इकाई आयतन में घुली हुई गैस की मात्रा जो m होती है, साम्य अवस्था पर द्रव्य की सतह पर गैसों द्वारा ढाले गए दाब के समानुपाती होती है। m समानुपाती p, m बराबर द्रव्य विलायक में घुली हुई गैस की मात्रा, p बराबर द्रव्य की सतह पर गैसों द्वारा ढाला गया दाब। अब देखो समानुपाती को उठाओगे तो क्या आ गया, के क्या है, हेनरी स्थिरांक। अब देखो द्रव्य विलायक में घुली हुई जो गैस की मात्रा m होती है, वह गैसों के अणुओं की मोल भिन्न के समानुपाती होती है। मोल भिन्न को किसे दर्शाया जाता है, x से। अब देखो यहाँ पे m बराबर क्या होता है, p होता है, तो m बराबर तुम p लिख सकते हो। तो x समानुपाती p, x बराबर k डेस p समानुपाती को उठाए तो k डेस भी एक स्थिरांक होता है। k डेस व हेनरी स्थिरांक के में निम्न संबंध होता है, k डेस बराबर क्या होता है, एक बटा k डेस का मान समीकरण नंबर दो में रखने पर समीकरण दो क्या है, x बराबर k डेस p। तो x बराबर k डेस की जगह एक बटा k और p, तो x बराबर p बटा k। हेनरी स्थिरांक निकाल रहे हो तो k बराबर p बटा x। यही क्या है, हेनरी का नियम। ओके बच्चों, यहाँ तक मैंने आपको शनिवार को पढ़ा दिया था, फिर भी मैंने दोबारा रिपीट कर दिया है, सभी बच्चों को याद हो गया होगा। अब अपन चल रहे हैं हेनरी के नियम की सीमाएं। हेनरी के नियम की सीमाएं, या सीमाएं मैंने नोट्स में भेज भी दी थी, बच्चों ने याद भी कर ली होगी, फिर भी मैं दोबारा बताने जा रही हूँ हेनरी के नियम की सीमाएं। क्लियर है मैम प्रिया शर्मा? वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छी बात है, क्लियर ही होना चाहिए। देखो हेनरी के नियम की सीमाएं, हेनरी के नियम की सीमाएं। पहली सीमा है हेनरी के नियम की, ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए, ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए। दूसरी सीमा है दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, ताप तो कम नहीं होना चाहिए और दाब अधिक नहीं होना चाहिए, विलयन तनु अवस्था में होना चाहिए। देखो जब मैंने आपका विलयन वाला लेसन पढ़ाया था तो मैंने दो विलयन पढ़ाए थे, तनु विलयन और सांद्र विलयन। तनु विलयन का मैंने परिभाषा बताई थी, अगर विलेय की मात्रा विलायक की तुलना में अत्यधिक कम हो तो वो विलयन कौन सा कहलाता है, तनु विलयन, और अत्यधिक कम न हो
तो वो विलियन कौन सा कहलाता है? सांधर विलियन। ओके बच्चों, तो हेनरी के नियम की सीमाएं में तीसरा पॉइंट है विलियन कैसा होना चाहिए? तनु अर्थात गैसों की विलयता क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। चौथा पॉइंट है गैसों की आणविक अवस्था में द्रव्य व गैसीय अवस्था दोनों समान होनी चाहिए। यही किसकी सीमाएं हैं? हेनरी के नियम की। तो हेनरी के नियम की कितनी सीमा होती है? चार। ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए, दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है, विलयन तनु होना चाहिए, और गैसों की जो द्रव्य अवस्था होती है, आणविक अवस्था होती है, वह द्रव्य और गैसीय दोनों अवस्थाओं में क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। अब देखो अगला आपका टॉपिक है हेनरी के नियम के अनुप्रयोग, जिसको उपयोग भी बोल सकते हो। हेनरी के नियम के अनुप्रयोग, पहला अनुप्रयोग है पेय पदार्थ एवं सोडा वाटर में गैसों की विलयता, सोडा वाटर आपको विलय के नौ प्रकार पढ़ाए थे तब बताया था, जब विलय पदार्थ गैस हो और विलायक क्या हो? द्रव्य, तो क्या बनता है? सोडा वाटर, जिसमें मैंने बताया था जल में CO2 गैस, जल में CO2 गैस। तो देखो अब देखो पेय पदार्थ एवं सोडा वाटर, बेटा चाहे कितना ही नाम चेंज कर ले, चाहे तू शर्मा कर ले, चाहे लेट नाइट कर ले, मैडम तुझे पहचान चुकी है और तू तो ऑफलाइन में आना, तेरी हजामत में बनाऊंगी ढंग से। तू F क्लास का बच्चा है, मुझे अच्छी तरह पता है तू कौन है। ओके, लेट नाइट टेलर, ठीक है, टू मी। कभी तू शर्मा का क्या लगाता है, सब तेरे चेट देखती हूँ, तू पकड़ में आ भी चुका है, ठीक है, कहीं बाड़े में जाके क्लास ले रहा होगा तू, तेरे पास पास कोई घर वाले नहीं होंगे, ठीक है। तो स्क्रीन पे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, वेलकम वेलकम कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुझे मैं अच्छी तरह पहचान चुकी हूँ कि तू कौन है, और तू आना ऑफलाइन में, क्या हजामत बनाती हूँ तेरी में, ठीक है। अब दोबारा स्क्रीन पे मुझे दिखाई भी मत देना, मेरी क्लास से ही आउट हो जा, केमिस्ट्री की क्लास लेने की जरूरत नहीं है तुझे, अच्छी तरह पहचान में आ गया है तू, और सभी डायरेक्टरों को मैंने बता भी दिया है। चलो अनुप्रयोग, चलो बच्चों सबके सब पढ़ाई में ध्यान दो। अनुप्रयोग में है, पहला अनुप्रयोग है पेय पदार्थ एवं सोडा वाटर में गैसों की विलयता बढ़ाने के लिए बोतलों को उच्च दाब पर बंद किया जाता है। बोतलों को किस पे बंद किया जाता है? उच्च दाब पर, गैसों की विलयता बढ़ाने के लिए। दूसरा पॉइंट है जब पानी में दुर्गंध आने लगती है तो पानी को उबालकर ठंडा किया जाता है, जिसे दुर्गंध युक्त गैस कहाँ निकल जाती है? बाहर निकल जाती है। तीसरा अनुप्रयोग है समुद्री गोताखोर जब पानी के अंदर जाते हैं तो अधिक आंशिक दाब की ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। समुद्री गोताखोर जब पानी के अंदर जाते हैं तो अधिक आंशिक दाब की ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, जिसे रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। रक्त में किसकी मात्रा बढ़ जाती है? ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। जो ही समुद्री गोताखोर पानी के ऊपर आते हैं तो दाब क्या हो जाता है? कम हो जाता है। दाब कम होने पर रक्त में ऑक्सीजन बुलबुलों के रूप में बाहर निकलने लगती है और रक्त के प्रवाह में बाधा उत्पन्न होती है, जिसे समुद्री गोताखोरों को पीड़ा अनुभव होती है। इस पीड़ा को दूर करने के लिए वायु में हीलियम गैस मिलाई जाती है। वायु में कौन सी गैस मिलाई जाती है? हीलियम गैस, जिसे ऑक्सीजन का आंशिक दाब क्या हो जाता है? घट जाता है। इस गैस की विलयता क्या होती है? कम होती है।
तो समुद्री गोताखोर जो ही पानी के अंदर जाते हैं अधिक आंशिक दाब की ऑक्सीकरण ग्रहण करते हैं जिसे रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा भर जाती है वो ठीक है, तथा जो ही ये पानी के ऊपर की ओर आते हैं तो दाब घट जाता है और रक्त में ऑक्सीजन बुलबुलों के रूप में बाहर निकलने लगती है जिसे रक्त के प्रवाह में बाधा उत्पन्न होती है और समुद्री गोताखोरों को पीड़ा अनुभव होती है। इस पीड़ा को दूर करने के लिए वायु में हीलियम गैस मिलाई जाती है ताकि ऑक्सीजन का आंशिक दाब घट जाए अर्थात गैसों की विलयता क्या होती है कम होती है। अब देखो अगला चौथा अनुप्रयोग है अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर, अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम होता है अर्थात ऑक्सीजन की सांद्रता कम होती है, अतः अधिक ऊंचाई पर रहने वाले व्यक्तियों व पर्वतारोहियों में ऑक्सीजन की कमी के कारण शरीर कमजोर हो जाता है तथा सोचने की क्षमता भी कम हो जाती है। इस लक्षणों को एनोक्सिया कहा जाता है। कई बार एग्जाम में एक नंबर का पूछा जाता है एनोक्सिया क्या होता है, तो अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर O2 का आंशिक दाब कम होता है अर्थात O2 की सांद्रता कम होती है जिसे पर्वतारोहियों व अधिक ऊंचाई पर रहने वाले व्यक्तियों में O2 की कमी के कारण शरीर कमजोर होता जाता है और सोचने की क्षमता भी क्या होती जाती है कम होती जाती है जिसको क्या कहा जाता है एनोक्सिया। ये हेनरी के नियम के क्या है अनुप्रयोग। तो मैंने पहला अनुप्रयोग आपको बताया है पेय पदार्थ एवं सोडा वाटर में गैसों की विलयता बढ़ाने के लिए बोतलों को उच्च दाब पर बंद किया जाता है। दूसरा अनुप्रयोग बताया है जब पानी में दुर्गंध आने लगती है तो दुर्गंध युक्त पानी को उबालकर ठंडा किया जाता है जिसे दुर्गंध युक्त गैस कहाँ निकल जाती है बाहर निकल जाती है। तीसरा अनुप्रयोग मैंने बताया है जब समुद्री गोताखोर पानी के अंदर जाते हैं तो अधिक आंशिक दाब की ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं जिसे रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। जो ही पानी के ऊपर आते हैं तो रक्त ऑक्सीजन का दाब कम हो घट जाता है तथा रक्त में ऑक्सीजन बुलबुलों के रूप में बाहर निकलने लगती है जिसे रक्त के प्रवाह में बाधा उत्पन्न होती है और समुद्री गोताखोरों को पीड़ा अनुभव होती है। इस पीड़ा को दूर करने के लिए वायु में क्या मिलाई जाती है हीलियम गैस मिलाई जाती है जिसे गैसों की विलयता क्या हो जाती है कम हो जाती है। अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर दाब कम होता है किसका ऑक्सीजन का, जिसे ऑक्सीजन की सांद्रता क्या होती है कम होती है, अतः पर्वतारोहियों व अधिक ऊंचाई पर रहने वाले व्यक्तियों में ऑक्सीजन की कमी के कारण शरीर कमजोर होता जाता है या सोचने की क्षमता भी कम हो जाती है जिसे क्या कहा जाता है एनोक्सिया कहा जाता है। ओके बच्चों ये हेनरी के नियम के क्या कंप्लीट हो गए अनुप्रयोग। अभी आपकी 2 मिनट क्लास बंद रहेगी तो कोई भी बच्चा क्लास नहीं छोड़ेगा जब भी बंद हो, अभी बंद नहीं हुई है। अब अपन हेनरी के नियम के 2 न्यूमेरिकल सोल्व कर रहे हैं। पहला न्यूमेरिकल है तुम सब घर में सोल्व करना, मैं तुम्हें हल करके बता रही हूँ। पहला क्वेश्चन है आपका सड़े हुए, क्वेश्चन में छोटा लिख रही हूँ बोर्ड पे पूरा नहीं लिख रही हूँ, तुम सब सुन रहे हो और तुम्हारे पास पेन और कॉपी भी है और नोट्स में मैं भेज भी दूंगी। सड़े हुए अंडे जैसी विषैली गैस H2S का, सड़े हुए अंडे जैसी विषैली गैस H2S का गुणात्मक विश्लेषण में उपयोग किया जाता है। किसमें उपयोग किया जाता है गुणात्मक विश्लेषण में। यदि H2S की जल में
एसटीपी मानक ताप व दाब, एनटीपी तो सामान्य ताप व दाब होता है और एसटीपी मानक ताप व दाब। तो आपका क्वेश्चन में चल रहा है एसटीपी, H2S की जल में एसटीपी पर जो विलयता है वह 0.195 मोललता, मोलरता को तो कैपिटल M से और मोललता को स्मॉल m से। तो H2S की जल में एसटीपी पर विलयता 0.195 मोललता है। तो हेनरी स्थिरांक की गणना करनी है, किसकी गणना करनी है, हेनरी स्थिरांक की। ओके बच्चों, क्वेश्चन दोबारा बोल रही हूँ क्योंकि कुछ बच्चे लिख भी रहे हैं। सड़े हुए अंडे जैसी विषैली गैस H2S का गुणात्मक विश्लेषण में उपयोग किया जाता है। H2S की जल में एसटीपी पर विलयता 0.195 मोललता है। तो हेनरी स्थिरांक की क्या करनी है, गणना करनी है। देखो बच्चों एक बार क्वेश्चन में करवा रही हूं। H2S में 0.195 मोललता है, तो 0.195 मोललता का अर्थ होता है, मोललता किसे कहा गया था, 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलेय की ग्राम में मात्रा, या 1000 ग्राम विलायक में घुले हुए विलेय की ग्राम में मात्रा ही क्या कहलाती है, मोललता कहलाती है। तो 0.195 मोललता का अर्थ होता है कि जल के 1 किलोग्राम में 0.195 मोल गैस घुली हुई है। और कौन सी गैस घुली हुई है, H2S गैस। तो देखो बच्चों हेनरी स्थिरांक का सूत्र क्या होता है, के बराबर पी बटा एक्स। तो एक्स मोल भिन्न है, इसका मतलब मैंने अभी अभी भी समझाया था कि मोल भिन्न ज्ञात करने से पहले आपको क्या ज्ञात करनी पड़ेगी, मोलों की संख्या, क्या ज्ञात करनी पड़ेगी, मोलों की संख्या। तो देखो बच्चों H2S के कितने मोल हैं, यहाँ पे देखो H2S के मोल अभी अभी मैंने आपको बताया है 0.195 मोललता का अर्थ है जल के 1 किलोग्राम में कितने मोल गैस घुली हुई है, 0.195 मोल गैस। तो H2S के मोल तो कितने हो गए, 0.195 मोल, ठीक है। अब जल के मोल निकालना है तो जल का मोल निकालोगे, जल का मोल बराबर बोलो 1 किलोग्राम है तो कितने ग्राम हुआ, 1000 मोल बराबर दिया गया द्रव्यमान बटा कुल अणुभार। अब H2S के तो मोल अपन को ऑलरेडी मिल चुके हैं 0.195, अब आपको जल के मोल निकालने हैं। तो 1000 में कितने का भाग दे दोगे, 18 का, क्योंकि जल का अणुभार कितना होता है, 16+2 कितना, 18 होता है। तो 18 5 90 10 90।